Now next problem, count all prime numbers in a given array. Suppose that अगर आपके पास कोई भी array given है, तो array के अंदर just आपको count करना, counting all occurrences of prime numbers. Clear? इस केस में again main के respect में आप करो, main का structure same रहेगा first one. किसी program को implement करने के लिए just logical steps का तो first one providing variable declarations. तो इस problem को solve करने के variables क्या required होंगे? सबसे पहले required क्या होगा? Integer array with maximum size. तो इस केस में array declaration provide किया with having 100 elements. Means physically space कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट कराएंगे 100 लेकिन लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज कराएंगे n इसलिए एक और वेरिएबल क्या क्रिएट किया है n नेक्स्ट वन इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके लिए रीड क्या कराओगे वैल्यू ऑफ n अगर n का वैल्यू 5 है देन एरे के लिए कितने आइटम्स रीड कराने की जरूरत है जस्ट 5 एलिमेंट्स तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशंस मींस a n प्लस एरे के एलिमेंट्स को लूप के थ्रू इटरेट करने के लिए कोई भी कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं ऑलवेज लूपिंग स्टेटमेंट लूप के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ इंडेक्स वेरिएबल i नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट आपको काउंट क्या कराना काउंटिंग ऑकरेंस ऑफ प्राइम नंबर तो काउंटिंग करने के लिए जस्ट मैंने सेपरेट वैल्यू क्रिएट किया सी सी के अंदर जस्ट मैनेज क्या करेंगे काउंट ऑपरेशन मींस काउंटिंग ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ इवन सॉरी प्राइम नंबर्स होंगे सारे के सारे प्राइम नंबर का ऑकरेंस किस में स्टोर करा इनसाइड सी विद इनिशियल वैल्यू 0 क्योंकि काउंटिंग जस्ट 0 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑफ केस क्या है इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशंस के जस्ट बाद रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड तो इनपुट्स के रिस्पेक्ट में जस्ट टू टाइप्स के इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले आप एरे के लिए साइज रीड करोगे मींस वैल्यू ऑफ n क्लियर प्रीवियस ऑपरेशंस नेक्स्ट टाइम एरे के लिए n एलिमेंट्स रीड का अगर n का वैल्यू 5 है तो एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड कराने की जरूरत है 5 एलिमेंट्स इस केस में जस्ट बिगिनिंग 5 एलिमेंट्स रीड करेंगे यूजिंग अगेन लूप लूप कहां से कहां तक चला फ्रॉम 0 टू n देन इस केस में लूप 5 टाइम चलेगा देन ये ऑपरेशन से स्कैनर फंक्शन एरे के कितने एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा बिगिनिंग 5 एलिमेंट्स क्लियर नेक्स्ट वन एलिमेंट्स रीड कराने का सपोज मैंने गिवन एलिमेंट एंटर किया देन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या फाइनली अप्लाइंग रिक्वायर्ड लॉजिक्स तो रिक्वायर्ड लॉजिक्स क्या है इस केस में जस्ट काउंटिंग ऑल प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर को काउंट कराने के लिए जस्ट मैं अभी जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कराऊंगा फंक्शन का नेम यूज करेंगे जब प्राइम काउंट तो इस केस में लॉजिक्स में डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर पुट ना करके सेपरेट फंक्शन पुट डाउन करूंगा इधर यूजर डिफाइंड फंक्शन प्राइम काउंट प्राइम काउंट के अंदर जस्ट आप परफॉर्म क्या करना चाहते हो मींस गिवन एरे के अंदर जिसे एरे के अंदर आपको प्राइम नंबर्स काउंट करना उसे एरे का बेस एड्रेस अप्लाई करेंगे प्लस मींस इस केस में रिक्वायर्ड क्या एरे एड्रेस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स केस में स्टोर जस्ट एन इस केस में जब भी ये फंक्शन कॉल हुए आपको रिटर्न क्या करेगा करेस्पॉन्डिंग काउंटिंग तो इस केस में चेक कर सकते हो गिवन एरे में प्राइम नंबर्स कितने हैं 2 11 एंड 30 तो इसके करेस्पॉन्डिंग इनपुट के अकॉर्डिंग जनरेटेड रिजल्ट क्या होना चाहिए रिटर्न क्या होना चाहिए इससे 2 तो 2 किस में साइन हो जाए सी में तो सी में क्या साइन हो जाए जस्ट वैल्यू एज 2 क्लियर नेक्स्ट वन फोर्थ स्टेप डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स डिस्प्ले रिजल्ट और आउटपुट तो आउटपुट किस में स्टोर है सी में फाइनली डिस्प्ले क्या करा लोगे वैल्यू ऑफ सी प्रिंट ऐप टोटल प्राइम और परसेंट डी प्राइम नंबर फाउंड परसेंट डी प्राइम नंबर फाउंड परसेंट डी के प्लेस पर क्या डिस्प्ले करा लेंगे वैल्यू ऑफ सी सी का वैल्यू 2 है तो डिस्प्ले क्या होगा 2 प्राइम नंबर फाउंड इन द एरे क्लियर इस नेक्स्ट वन फाइनली आपको अब इस केस में एक्चुअल जो लॉजिक पार्टीशन अभी मैंने लॉजिक्स राइट डाउन की नहीं लॉजिक्स को राइट करने के लिए सेपरेट फंक्शन यूज करेंगे जब प्राइम काउंट क्लियर एजम कर लेना सभी फंक्शन है रिक्वायर्ड फंक्शन का डिक्लेरेशन ऑलरेडी मेन के टॉप में अवेलेबल है क्लियर नेक्स्ट वन फंक्शन क्रिएट करने के लिए चेक कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर इनपुट्स कितने पास हो रहे हैं 2 इनपुट्स फर्स्ट वन रिटर्न टाइप के इसको रिटर्न किया हुआ काउंटिंग वैल्यू तो काउंटिंग किस टाइप का हुआ इंटीजर फंक्शन नेम है वी आर यूजिंग प्राइम काउंट नेक्स्ट वन फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया हुआ बेस एड्रेस ऑफ गिवन एरे ए एड्रेस को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या पॉइंटर देन साइज ऑफ एरे एन क्लियर इस केस में अगेन आपको परफॉर्म क्या कराना है जस्ट लूप मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होगी लूप को कहां से कहां तक स्टार्ट करना है मींस ऑपरेशन काउंटिंग है मींस लूप के अंदर सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे इज इट प्राइम और नॉट अगर ये प्राइम है देन काउंटर में इंक्रीमेंट हुआ देन सेकंड एलिमेंट को चेक करें इस टाइप से ऑल एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म किया हुआ सेम चेकिंग अप टू एन एलिमेंट्स तो इस केस में चेक करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इट मींस अगेन लूप एरे इटरेट हो रहा तो एरे के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ इटरेटिव वेरिएबल आई एंड काउंटर वेरिएबल सी फॉर लूप के अकॉर्डिंग आई और सी दोनों में इनिशियलाइज में किससे करा रहा हूं जीरो से
आई का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, जीरो। काउंटर का वैल्यू भी क्या रिक्वायर्ड था, ऑल्सो जीरो। कब तक चला हुआ लूप को, जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा है। एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, लेकिन काउंटर में डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं हुआ। काउंटर में भी इंक्रीमेंट कब करा हुए, बेस्ड ऑन कंडीशन, मीन्स एवरी टाइम। गिवन एरे के गिवन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए ऑफ आई से। तो एवरी टाइम आप चेक करोगे ए ऑफ आई प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर ए ऑफ आई के अंदर करंटली प्राइम नंबर स्टोर है, देन इसके साथ परफॉर्म क्या कराएंगे, इंक्रीमेंट इन काउंटर वेरिएबल। तो इसके में जस्ट इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन टेस्ट क्या करेंगे, एज प्राइम, एज प्राइम प्लस चेक किसके लिए करना है। अगर आप किसी नंबर को चेक करना चाहते हो, चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, देन नंबर को सप्लाई करते हैं एज ए इनपुट। इसके नंबर के प्लेस पर क्या जस्ट ए ऑफ आई, तो एवरी टाइम चेकिंग किसके लिए हुआ, ए ऑफ आई के लिए। प्लस एज प्राइम भी अभी कोई एग्जिस्टिंग फंक्शन नहीं, इसके लिए भी जस्ट सेपरेट लॉजिक्स प्रोवाइड करें। मीन्स जस्ट लॉजिक्स को मैं मॉड्यूलर वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपके लिए ऑपरेशन रीडेबल फॉर्म में मैनेज करना पॉसिबल हो। मीन्स इस पर्टिकुलर फंक्शन का वर्किंग चेक करेगा ए ऑफ आई के लिए, अगर ए ऑफ आई में प्राइम नंबर फाउंड हो रहा है या आई के करंट इंडेक्स में प्राइम नंबर है, देन इससे रिटर्न क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करा देन इसका मतलब क्या, ए ऑफ आई इज अ प्राइम। अगर प्राइम है देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या करा हुए, C++ प्लस प्लस मीन्स काउंटिंग में इंक्रीमेंट, अदरवाइज नथिंग। देन फाइनली जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो फाइनली रिजल्ट किसके पास है, काउंटर वेरिएबल के पास। रिटर्न क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ C। दिस इज द पर्पज ऑफ प्राइम काउंट। प्राइम काउंट फंक्शन फाइनली आपको प्रोवाइड, रिटर्न क्या करेगा, काउंटिंग ऑल ऑकरेंसेस ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन इसके इसमें अगेन मैंने न्यू फंक्शन क्या यूज किया, इज प्राइम टू के साथ पास, या तो इस फॉर लूप के अंदर प्राइम नंबर टेस्ट करने लॉजिक राइट डाउन करो, या फिर सेपरेटली लॉजिक्स फंक्शन पर क्रिएट करेंगे। तो इस केस में मैं जस्ट लॉजिक का प्रोवाइड कराऊंगा इनसाइड सेपरेट फंक्शन। अब आपको लॉजिक किसके लिए बनाना है, चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर टेस्ट करने की लॉजिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट अगर आपको चेक करना है चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर अवेलेबल है एन, और नंबर अगर इसको चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं, नंबर जस्ट इस नंबर को डिवाइड किससे करा हुआ, वन से, टू से, थ्री, फोर, फाइव, अप टू नंबर डिवाइडेड बाई टू। देन मीन्स अगर कोई भी नंबर या तो वन से या नंबर से डिवाइड होता है, इससे कोई भी नंबर वन और नंबर एट से ऑलवेज डिवाइड होगा। अगर इसके अलावा किसी भी अदर थर्ड नंबर से डिवाइड होता है, देन उस नंबर को आप बोलोगे एज अ प्राइम नंबर। तो इस केस में आपको वन से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, प्राइम एज वेल एज नॉन प्राइम। देन सेम एज नंबर इटसेल्फ सारे नंबर डिवाइड होंगे, हाफ से बड़े नंबर से कभी कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हाफ से बड़े नंबर से टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो फाइनली जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को एवरी टाइम डिवाइड किससे करेंगे, गिवन रेंज। अगर इस रेंज में से किसी भी वैल्यू से डिवाइड होता है, नंबर को क्या बोलोगे, नंबर इज नॉट प्राइम, अदरवाइज नंबर इज प्राइम। तो इस केस में जस्ट एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, इज प्राइम। इज प्राइम रिटर्न क्या करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर गिवन मीन्स ए ऑफ आई के अंदर अगर प्राइम नंबर है, रिटर्न क्या होगा, ट्रू। ट्रू मीन्स वन, फॉल्स मीन्स जीरो, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज ए इंटीजर फंक्शन नेम, वी आर यूजिंग इज प्राइम। नेक्स्ट वन, आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा है, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या है, एरे एलिमेंट, और एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, इसलिए आर्गुमेंट टाइप यूज करेंगे एज अ नंबर, मीन्स दैट वन। इस नंबर के लिए टेस्ट करेंगे, इस जो भी आपने नंबर पास किया उस नंबर को इस रेंज से जस्ट डिवाइड करें। तो इस रेंज को मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे, लूप। तो लूप के रिस्पेक्ट में जस्ट इटरेटिव वैल्यू आई को स्टार्ट कहाँ से कराओगे, टू से। लूप कब तक चलाना है, कब तक डिवाइड करना, जब तक आई का वैल्यू नंबर डिवाइड बाई टू से या तो छोटा है या इक्वल है। एवरी टाइम सीरीज कितने डिफरेंस से ग्रू कर रहा है, वन से, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन इसके समय एवरी टाइम जो भी नंबर है ये सीरीज किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, आई से। उस नंबर को डिवाइड किससे करा हुए, वैल्यू ऑफ आई। अगर ये नंबर परफेक्टली कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देन इसके समय रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो मिलता था, इसका मतलब क्या, नंबर किसी भी गिवन रेंज के किसी भी नंबर से डिवाइड हो चुका, डिवाइड हो चुका था, नंबर इज नॉट प्राइम, देन इमीडिएटली रिटर्न क्या करा हुए, फॉल्स। जस्ट रिक्वायर्ड क्या है, इटरेटिव वेरिएबल आई फॉर लूप। आई के केस में स्टार्टिंग कहाँ से करा हुए, टू से, अप टू एन बाई टू नंबर डिवाइड बाई टू, देन आई प्लस प्लस। इसके अंदर जस्ट अप्लाई क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जस्ट इफ। इफ में प्रोवाइड क्या करेंगे, सेम कंडीशन, इसे एवरी टाइम जो भी आपने नंबर पास किया उस नंबर को डिवाइड कैसे करा, करंट वैल्यू ऑफ आई। अगर आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो मिल रहा है,
इसका मतलब नंबर इज नॉट प्राइम, देन आप इमीडिएटली इस प्लेस से रिटर्न क्या कराओगे, रिटर्न ट्रू, ट्रू मीन्स वन, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है प्लस ये लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, अगर कंट्रोल लूप से बाहर आया है इसका मतलब क्या है, इफ कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हुआ, सॉरी इस केस में क्या है नंबर इज नॉट प्राइम, अगर डिवाइड हो रहा है नंबर प्राइम नहीं हुआ उस केस में रिटर्न क्या करा हुआ फॉल्स, क्लियर, अगर कंट्रोल लूप से बाहर आ चुका था इसका मतलब रिटर्न स्टेटमेंट को कोई चांस ही प्रोवाइड नहीं हुआ है, अगर चांस प्रोवाइड नहीं हुआ तो नंबर कैसा है जस्ट प्राइम, तो देन उस केस में रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न वन, क्लियर। इस टाइप से टोटल इस केस में इस प्रॉब्लम को मैंने टू डिफरेंट डिफरेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिवाइड किया है, मीन्स प्राइम नंबर को सेपरेटली टेस्ट कराया है प्लस काउंटिंग मैंने सेपरेट फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कराया, इस केस में टोटल टू फंक्शन यूज हो रहे हैं, आपको पता है किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी फंक्शन को यूज करने से जस्ट पहले उसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी, तो मेन से जस्ट पहले प्रोवाइड क्या करें, डिक्लेरेशन ऑफ प्राइम काउंट इंटीजर, प्राइम काउंट आर्ग्यूमेंट टाइप क्या इसके अंदर int star comma int, सेकेंड फंक्शन डिक्लेरेशन किसके लिए होगा, एज प्राइम के लिए, इसका रिटर्न टाइप क्या है ऑल्सो इंटीजर एज प्राइम, देन आर्ग्यूमेंट टाइप सिंपली इंटीजर, क्लियर। इस फाइनली वाले लॉजिक्स को टू मीन सिंपल लॉजिक्स में कुछ भी नया नहीं है, इस जस्ट बेसिक एरे ऑपरेशन, प्राइम नंबर काउंट करने के लिए सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करा लेंगे प्राइम काउंट, सप्लाइंग बेस एड्रेस ऑफ एरे एंड साइज ऑफ एरे, देन जैसे ये फंक्शन कॉल होगा फंक्शन क्या करेगा, एरे के सारे एलिमेंट वन बाई वन विजिट होंगे, वन बाई वन विजिट होने के साथ साथ इस पर्टिकुलर केस में जस्ट एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा, इसे रिटर्न क्या करेगा, इसे एवरी टाइम इंटरनली कॉल क्या करेगा इज प्राइम, इसे ए ऑफ आई के सारे वैल्यू टेस्ट होंगे प्राइम है कि नहीं, तो एवरी टाइम बार बार कॉल क्या होगा इज प्राइम फंक्शन, क्लियर। इज प्राइम फंक्शन टोटल कितनी बार कॉल होगा डिपेंड करेगा एरे के अंदर लूप्स कितने, सॉरी एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, अगर एरे में फाइव एलिमेंट है तो लूप कितनी बार चलेगा फाइव टाइम, इज प्राइम भी कितनी बार कॉल होगा फाइव टाइम आप फाइव डिफरेंट नंबर को टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट करने के बाद इसे रिटर्न क्या होगा आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू आया देन ओनली परफॉर्म किया इंक्रीमेंट इन काउंटर अदरवाइज नो इंक्रीमेंट, क्लियर। इस टाइप से काउंट करना पॉसिबल है।